मौला हुसैन के हवाले से पेश करता हूँ, दो में से बतौर खास कि यूं ही नहीं जहाँ पे चर्चा हुसैन का, यूं ही नहीं जहाँ पे चर्चा हुसैन का, कुछ देख कर हुआ है जमाना हुसैन का, कुछ देख कर हुआ है जमाना हुसैन का। सर्दे के दो जहाँ की हुकूमत खरीद ली, सर्दे के दो जहाँ की हुकूमत खरीद ली, महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का, महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का। नाए सलवात मौला अली के हवाले से दो में से पेश करता हूँ। हाथ आ जाती है जन्नत के अली कहने के बाद, हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद सवर हो जाती है किस्मत या अली कहने के बाद, खुद सवर हो जाती है किस्मत क्या अली कहने के बाद। और एक दीवाना अली का सौ पे भारी क्यों ना हो, और एक दीवाना अली का सौ पे भारी क्यों ना हो, सौ गुना बढ़ जाती है ताकत या अली कहने के बाद, सौ गुना बढ़ जाती है ताकत या अली कहने के बाद। ले के अलम वो दिलावर निकला, ले के अलम वो दिलावर निकला, यूं लगा जैसे वफाओं का समंदर निकला, यूं लगा जैसे वफाओं का समंदर निकला। किसमें दम है जो लगाए का बहत्तर का हिसाब, किसमें दम है जो लगाए का बहत्तर का हिसाब। जब एक अब्बास निकला तो लाखों के बराबर निकला, जब एक अब्बास निकला तो लाखों के बराबर निकला। नाए सलवात अब्बास के बाजू, बाजू मेरे काट माशाल्लाह, पढ़ो बाजू मेरे अब्बास के, ये सारे आजादार हैं अब्बास के, ये सारे आजादार हैं अब्बास के बाजू, अब्बास के बाजू। जिस घर में अज़ा खाना शबीर बना है, उस घर में ख़दम सानी जहरा का गया है, जहरा का गया है। जन्नत की तमन्ना लिए भटको न कहीं अब, भटको न कहीं अब, जन्नत की तमन्ना लिए भटको न कहीं अब। आ जाओ यहाँ फर्श पे दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा खुला है, आ जाओ यहाँ फर्श पे दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा खुला है। नारे सलवात नामे हुसैन आज भी है सबकी जुबां पर, है सबकी जुबां पर, नामे हुसैन आज भी है सबकी जुबां पर। घर आज भी यजीद का वीरान पड़ा है, वीरान पड़ा है, घर आज भी यजीद का वीरान पड़ा है, वीरान पड़ा है। सौ बार कलम छूट के हाथों से गिरा है, हाथों से गिरा है, सौ बार कलम छूट के हाथों से गिरा है, तब जाके कहीं हजरत अब्बास लिखा है, अब्बास लिखा है। नारे सलवात एक मतलब चंचे जनाब जनाब सलामुल्लाह अलैह के हवाले से पेश करता हूँ हजरत। कि आ गई जब बेरदावो शाम के बाजार तक, एक सलवार पढ़ दी हजरत, कि आ गई जब बेरदावो शाम के बाजार तक, छीन ली बैयत तलब से जुर्अत इजहार तक, छीन ली बैयत तलब से जुर्अत इजहार तक। उतना तबीशे बतौर ख़ास किसानिये जहरा के लब पर अपना लहजा देख कर, सानिये जहरा के लब पर अपना लहजा देख कर,
महवे हैरत, महवे हैरत खुल्द में है, हैदरे करार तक आ गई जब बेर दावो शाम के बाजार तक। ए यजीदे शाम तुझसे क्या डरें ज़ैनब के लाल, ए यजीदे शाम तुझसे क्या डरें ज़ैनब के लाल, सिलसिला मिलता है उनका जाफर तैयार तक, सिलसिला मिलता है उनका जाफर तैयार तक। ये भी शेर बतौर खास कि जिस तरह जहरा के खुतबे से हिला था एक महल, जिस तरह जहरा के खुतबे से हिला था एक महल, खुतबाए ज़ैनब से कांपा शाम का दरबार तक, खुतबाए ज़ैनब से कांपा शाम का दरबार तक। तदबीश बतौर ख़ास ज़बान के शेर हैं कि मत बुरा कहना अली को वरना फिर ये सोच ले, मत बुरा कहना अली को वरना फिर ये सोच ले, बात पहुँचेगी तेरे माँ बाप के किरदार तक, मत बुरा कहना अली को वरना फिर ये सोच ले, बात पहुँचेगी तेरे माँ बाप के किरदार तक। रत विषय बतौर ख़ास सुनिएगा, बतौर ख़ास तारीख के हवाले से एक हकीकत है, सुनिएगा हज़रत, कि ना अहल लोगों को अपने हाथ दफनाने के बाद, ना अहल लोगों को अपने हाथ दफनाने के बाद अपने पाँव खुद खिलाफत आ गई हकदार तक, अपने पाँव खुद खिलाफत आ गई हकदार तक, ना अहल लोगों को अपने हाथ दफनाने के बाद अपने पाँव खुद खिलाफत आ गई हकदार तक, अपने पाँव खुद खिलाफत आ गई हकदार तक। अज़ाद बीच बतौर ख़ास जो मोमिन मौजूद हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह मौल साहब पसंद आएगा आपको, कि कैसे थे अस्हाबे पैगंबर जो भागे छोड़ कर, ये भी एक तारीख हज़रात, कि कैसे थे अस्हाबे पैगंबर जो भागे छोड़ कर, अरे छोड़ के भागा नहीं शब्बीर का रहवार तक, छोड़ के भागा नहीं शब्बीर का रहवार तक। अदा आखिर से बतौर ख़ास कि है खुदा नाराज जिससे फातिमा नाराज है खुदा नाराज जिससे फातिमा नाराज हैं, अरे ऐसे
ऐसे लोगों को बचा सकते नहीं सरकार तक, ऐसे लोगों को बचा सकते नहीं सरकार तक, ऐसे लोगों को बचा सकते नहीं सरकार तक। तो ऐ मुजफ्फर है मेरी मेरा जे मिदहत बस यही, ऐ मुजफ्फर है मेरी मेरा जे मिदहत बस यही, घर बना लेते हैं जन्नत में मेरे अशियार तक, ऐ मुजफ्फर है मेरी मेरा जे मिदहत बस यही, घर बना लेते हैं जन्नत में मेरे अशियार तक। हजरात बड़े ही अदब एहतराम से हमारी गुजारिश है आली जनाब मौलाना सैयद हिलाल अब्बास साहब से क्यों आए और मजलिस को खिताब फरमाए, आप सभी हजरात एक बावज़ बुलंद नारे सलवात से उनका इस्तकबाल करें। फातिहा। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله واغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات सबसे पहले आप हज़रात एक मरतबा सूरह हम तीन मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम ज़ुल्फ़िकार हैदर इबन अता हुसैन और साबिरा बानो बिनते सगीर हसन उर्फ मिन्नन साहब के एक बुलंदतर सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, सबसे पहली बात ये बयान कर दूँ कि ये वो ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम है कि जो एक मोजज़ा भी है और मोजिज़ नुमा भी है, इसलिए कि ये ज़िक्र न वक्त का मोहताज है, न टाइम का मोहताज है, न दिन का मोहताज है, न तारीख का मोहताज है। ये जहाँ भी रहे जब भी पढ़ा जाए एक नया महसूस होता है। बारहा आप हजरात, ये एक मोजज़ा है अज़ीज़ान मोहतरम ज़िक्र हुसैन भी, इसलिए कि ज़िक्र हुसैन वो मोजज़ा है जो 1400 साल से हम वही सुनते चले आए, लेकिन कभी मुझे पुराना नहीं लगा। कभी दो ही जगह मैंने देखा है, या तो कुरान मजीद 1400 साल से है, हर रमज़ान मुबारक में हमारे यहाँ तो कम है कि एक ही कुरान किसी का ख़त्म हो जाए तो बड़ी बात है, लेकिन हमारे बरादर अहले सुन्नत हज़रात के वहाँ तो एक एक मस्जिदों में न जाने कितने कितने जो है कुरान कितने कितने पारे एक ही रात में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हर साल वही पढ़ा जाता है, हर साल वही दोहराया जाता है, लेकिन ये पुराना नहीं होता है। अब ये अज़ीज़ान मोहतरम, इसीलिए हम ये भी मोहतरम ये भी कहते हैं कि मुहर्रम में कि जब इंसान कहते हैं ये हर साल क्यों मनाया जाता है, एक साल शहादत मना ली गई हो गया, एक साल मजलिस कर दी हो गया, लेकिन ये हर साल क्यों किया जाता है,
तो अगर रमज़ानुल मुबारक में हर साल कुरान न पढ़ा जाए तो मुहर्रम में ज़िक्र हुसैन न किया जाए, दोनों एक साथ हैं। यानी दो चीज़ें रसूल इस्लाम ने छोड़ी हैं, एक कुरान छोड़ा है, दूसरे इतरत छोड़ा है। हर साल जब कुरान का ज़िक्र होता रहेगा, नया महसूस होता रहेगा, तो ज़िक्र हुसैन भी होता रहेगा और नया महसूस होता रहेगा। सलावात भेजे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़िक्र हुसैन टाइम का मोहताज नहीं है कि इस वक्त जैसे मिसाल के तौर पे अब 10 बज चुका है, इंसान अभी एक घंटा 10 मिनट की मजलिस सुन चुका है, लेकिन ये थकान नहीं होती है इससे और जिसमें तमानाई बढ़ती है। इसलिए ज़िक्र हुसैन अगर फ़र्श अज़ा की अहमियत मालूम हो जाए, फ़र्श अज़ा की अहमियत मालूम होगी तो कभी इंसान ये नहीं कहेगा कि हम फ़लाँ मजलिस में नहीं जा सकते बहालत मजबूरी। अगर मजबूरी है कोई इंसान की तबीयत ख़राब हो जाए, इंसान पैरों से माजूर हो जाए या किसी वजह से ना जा सके तो एक बात अलग हो जाएगी, लेकिन इंसान अगर फ़र्श अज़ा की अहमियत रखता है, उसे मालूम है, उसे इल्म है कि जहाँ फ़र्श अज़ा बिछाया गया है हमसे पहले वो हमारी और आपकी शहज़ादी शहज़ादी कौनैन फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आ चुकी हैं। जब ये तसव्वुर आएगा तो कभी इंसान न लेट होगा, न इंसान जो है वो उसे गुरेज करेगा कि नहीं भाई अरे बहुत देर हो गई अब कौन जाए। ये मोजज़ा है मजलिस का। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस आयत को मैंने सरनामा कलाम बनाया उसमें यही बात है कि देखो मोहब्बत करने वाले तो बहुत हैं, न जाने कौन कौन अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह को कौन नहीं चाहता भाई, अल्लाह को हर शख्स चाहता है। अल्लाह अल्लाह जो मानते हैं अल्लाह को वो भी, और जो अल्लाह को नहीं मानते वो भी यकीन रखते हैं कि कोई है जो पैदा करने वाला है। अब वो नाम अलग अलग ले ले वो अलग बात है, लेकिन हैं कुछ लोग जो मानते हैं कि कोई है पैदा करने वाला, कोई इस दुनिया का पैदा करने वाला, कोई आसमान को पैदा करने वाला है, अशजार को पैदा करने वाला है, समंदरों को गहराई देने वाला है, पहाड़ों को बुलंदी देने वाला है, फूलों में महक डालने वाला कोई है, सब्ज़ों को लहक देने वाला कोई है, चिड़ियों को चहक देने वाला कोई है। यानी उसने हिदायत देकर जो है हर मखलूक को भेजा है, वही पैदा करने वाला है, तो सब यकीन रखते हैं और ये भी यकीन रखते हैं कि एक दिन ख़त्म होने वाला है, एक दिन ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा कि तुम अल्लाह अल्लाह करते रहो, खाली अल्लाह अल्लाह करते रहो, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए कि ये आयत गवाही दे रही है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, जो अल्लाह अल्लाह कहते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उनसे कहो फत्तबिउनी, मेरा इत्तेबा करो। यानी रसूल इस्लाम बता रहे हैं कि मेरा इत्तेबा करो। अब अज़ीज़ान मोहतरम, इत्तेबा जब करेंगे रसूल इस्लाम की तब मुकम्मल अल्लाह के मुहिब होंगे, तब मुकम्मल अल्लाह के मुहिब होंगे, तब अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में उतरेगी तो सही मानों में होगी। अब इसके बाद में जब तुम इत्तेबाए रसूल करोगे तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, खुद से कहना कि हम अल्लाह को बहुत चाहते, अल्लाह को बहुत मानते, अल्लाह को हम बहुत चाहते, अल्लाह को बहुत मानते, अल्लाह से मोहब्बत करते, लेकिन अल्लाह खुद कह दे कि हम तुम्हें चाहते हैं, अल्लाह खुद कह दे कि हम इस बंदे को मानते हैं, तो कब मानेगा? जब इत्तेबाए रसूल करोगे तब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। जब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा तो उसके बदले में क्या मिलेगा? इसी आयत में जब तुम अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो तुमको हरा फरीज़ा ये है कि तुम इत्तेबाए रसूल करो, जब इत्तेबाए रसूल करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, जब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा तब तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। इसलिए कि अल्लाह गफूर भी है, अल्लाह रहीम भी है। एक सलावात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ो यहाँ पर गुफ्तगू खाली फ़त्तबिउनी पे करना है। अल्लाह के मुहिब तो बहुत हैं, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा, हम इमाम के चाहने वाले हैं, हम इमाम से मोहब्बत करने वाले हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम की मोहब्बत, यकीनन इमाम की मोहब्बत होना चाहिए। अगर इमाम की मोहब्बत नहीं है तो वो इंसान ही नहीं है। इसलिए कि इंसानियत को इमाम हुसैन ने बचाया है।
अब जो इंसान होगा वो हुसैन से मोहब्बत करेगा। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो इंसानियत को बचाए, इंसानियत की वजह से मोहब्बत करना है। तो अब इमाम से मोहब्बत होना चाहिए, इमाम हुसैन से मोहब्बत होना चाहिए। मोहब्बत तो सब कहते हैं कि हम चाहने वाले, लेकिन इत्तेबाए रसूल, अब अजीज़ान मतलब आप कहेंगे इत्तेबाए रसूल हम कैसे करें, हमारे सामने रसूल इस्लाम तो हैं नहीं जो हम इत्तेबाए रसूल करें। तो इसीलिए रसूल इस्लाम ने कहा कि हम अपने बाद एक नहीं 12 जानशीन छोड़े जा रहे हैं, वो भी अलग अलग नहीं हैं कि कोई कौन है, बल्कि सबका एक मकसद होगा, सबका एक नाम होगा, सबकी एक कुनियत होगी, सब एक तरीके के होंगे। यानी मालूम हुआ कि अव्वलों ना मोहम्मद होंगे, औसत ना मोहम्मद होंगे, और आखिर ना मोहम्मद होंगे, और कुल ना मोहम्मद होंगे। यानी अजीज़ान मोहतरम, अब लफ्ज़ों को बदल कर यूँ कह दूँ कि जब इत्तेबाए रसूल करना है तो रसूल के ज़माने वाले इत्तेबाए रसूल रसूल की करें, अली के ज़माने वाले अली की इत्तबा करें, हसन के ज़माने वाले हसन की इत्तबा करें, इसी तरह इमाम हुसैन के ज़माने वाले इमाम हुसैन की इत्तबा करें, आखिर तक के इमाम ज़माना के लोग इमाम ज़माना की इत्तबा करें। अब अज़ीज़ान मोहतरम, अभी इमाम ज़माना की इत्तबा कैसे करें, हमारे सामने तो गैबत में हैं, गैबत में है तो हम इत्तबा कैसे करें। तो इमाम ने खुद ही फरमाया कि मेरी इत्तबा करना चाहते हो तो देखो किसी और की नहीं, आलिम फकीह की इत्तबा कर लेना, मेरी इत्तबा हो जाएगी। यानी मर्जियत को मानते रहना, तुम्हारी आज़ादारी भी कबूल है और इत्तबाए इमाम भी होती रहेगी। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये मर्जियत इत्तेबाए इमाम का नाम है। इमाम ने फरमाया है कि तुम इनकी इत्तेबा करना, जो आलिम हो फकीह हो, अपने नफ्स पर गालिब ना आने वाला हो, दुनिया की दौलतों में बिकने वाला ना हो। और आप देख रहे हैं कि अमेरिका जैसा ऑफर देने वाला भी उसे ठुकराने वाला कोई और नहीं है, और ईरान है या तो सिस्तानी साहब है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, कितना चाहते हैं लोग, लेकिन ये इत्तेबाए रसूल जो हमारे लिए कहा गया इस आयत में कि इत्तेबाए रसूल करो, तो यही नहीं बल्कि इत्तेबाए इमाम भी, एक इमाम की इत्तेबा कर लिया तो कुलना मोहम्मद के हिसाब से हर एक की मोहम्मद की इत्तेबा हो गई। सिर्फ चाहना नहीं कि हम भी मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि खुरासान वाला वाक़या सबको मालूम है, छठे इमाम के दौर में। लेकिन अजीज़ो, छठे इमाम का ज़माना बहुत दूर की बात है। मौला अली के ज़माने में भी कुछ ऐसे इत्तबा करने वाले थे। मौलाए कायनात ने किसी को गवर्नर बनाकर भेजा जिनका नाम सलमान फ़ारसी, जिसे सलमान मोहम्मदी कहा जाता है। ये ऐसी इत्तबा करने वाले कि न जाने कहाँ कहाँ की खाक छानते हुए रसूल के कदमों पर आए, इस्लाम को कबूल किया, मौलाए कायनात के ज़माने तक रहे, और मौलाए कायनात ने इनको गवर्नर मदायन का बनाकर भेजा। हम और आप होते तो जाओ हशम लश्कर लेकर जाते। देखिए, जो इत्तबाए रसूल करने वाला होगा, जो इत्तबाए मौला करने वाला होगा, उसके पास ज़ाहरी ज़रो माल दौलत और लश्कर नहीं होगा, लेकिन वो हर चीज़ पर हुकूमत करने वाला होगा। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, वो हर चीज़ पर हुकूमत करने वाला होगा। आप कहेंगे भाई ये तो मासूमों के लिए है कि वो तो हर ज़र्रे ज़र्रे पे हाकिम हैं, लेकिन हमारे यहाँ तारीख में गैर मासूम ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी हुकूमत की है। जब मौलाए कायनात ने मदायन का गवर्नर जनाब सलमान फ़ारसी को बनाकर भेजा तो इनके पास कुछ न था, खाली एक चटाई थी या एक लोटा था। लोग वहाँ बेचैन थे, गवर्नर का इंतज़ार कर रहे थे कि अभी आ रहा होगा गवर्नर।
वो समझ रहे थे जैसे दुनिया का गवर्नर होता है, दुनिया वाला दुनिया की जाहिरी शान और शौकत वाला होता है कि आगे आगे गाड़ियां चल रही हैं, आगे आगे कुछ लोग चल रहे हैं, तब समझा जाता है। वहाँ सादा लिबास, सादी तरीके। मदायन में क्या था, चोरियां बहुत हो रही थी और लोग नाप तौल में कमी कर रहे थे। ये बहुत बड़ा गुनाह भी है और इसी से वहाँ के लोग परेशान थे। गवर्नर साहब पहुँचे, यानी जनाब सलमान फारसी पहुँचे, तो लोगों ने कहा कि आप ही गवर्नर? कहा हाँ भाई, एक छोटा सा घर मिला उसमें आप रहे। उसके बाद कहा अपनी परेशानी बताओ, तो कहने लगे कि हमारे घरों में चोरियाँ बहुत हो रही हैं। और इंसान होता तो कहता पहरा लगाओ, जिसे होता नहीं दुनिया में कि यार रात भर जागते रहो जागते रहो जागते रहो, लोग महलों में चिल्लाते रहें दौड़ते रहें। गांव में खास करके ऐसा होता है, जब चोरियां बढ़ जाती हैं तो रात में पहरा दिया जाता है, लोग जो है जागते हैं। जनाब सलमान फारसी ने कहा कि तुम लोग आज की रात अपना अपना घर खोल के सोना। कहाँ बंद करने पर चोरी होती थी, लेकिन जनाब सलमान फारसी ने क्या कहा, आज अपना घर खोल कर सोना। लोग बड़े ताज्जुब में गए, ये कैसा गवर्नर है, हमारे घर में तो जो है बंद करके जो है चोरी हो जाती है और जो है ये कैसे। उन्होंने क्या किया, कुत्तों को हुक्म दिया और आज रात में कोई भी बाहर नहीं निकलेगा 12 बजे के बाद। यानी उन्होंने फौरन जो है मना कर दिया कि रात के 12 बजे आधी रात के बाद कोई बाहर न निकले, जो निकलेगा वो हलाक हो जाएगा। देखिए इतना जो है पावर होना चाहिए, लेकिन ये उसको नहीं होगा दुनिया के बनाए हुए, जिसको मासूम बनाकर भेजेगा उसी के अंदर ये ताकत होगी। एक सलावत भेजे मर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अजीजाने मोहतरम, जनाब सलमान फारसी ने कहा नहीं, आज जो है दरवाजे खोल कर सोना और कोई भी बाहर ना निकले। चोर लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा मौका मिला, रोज़ घर बंद करके मुझे चोरी करने का मौका मिलता था, आज तो सबके घर खुले हुए हैं। चोर लोग अपनी आदत के मुताबिक निकले, लेकिन जनाब सलमान फारसी ने क्या किया, कुत्तों से कह दिया कि आज की रात जो निकले निफ्स शब के बाद, उसे तुम नोच लेना, उसे तुम काट लेना। जितने चोर थे सब जख्मी मिले, सुबह पकड़े गए कि तुम रात में निकले थे, इसलिए ये कोई और नहीं बल्कि मासूम का नुमाइंदा था जिसने कुत्तों पे हुकूमत करके बता दिया कि हमारे अंदर हुकूमत करने का हक है, हम किस तरह हुकूमत कर सकते हैं। एक सलावत भेजे मर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब सलमान फारसी ने दूसरी शिकायत की कि जहाँ हम जिस दुकान पर जाते हैं वहाँ जो है वो गल्ला में या जो चीज़ लेते हैं वो कम दी जाती है, तौल नाप में कमी। तौल नाप की कमी में बहुत बड़ा गुनाह है, इंसान सोचे कि नाप तौल में कमी नहीं करना चाहिए, बल्कि हुक्म ये है, शरई हुक्म है कि जब किसी को दो तो थोड़ा ज़्यादा दे दो। ज़्यादा देने में जीत है, कम देने में पकड़ है, बहुत बड़ी पकड़ है। अजीज़ो जनाब सलमान फारसी से लोगों ने शिकायत की, कहा ठीक है, गए अपनी जगह पर बैठे रहे, बल्कि गए नहीं, एक मरतबा बटखरों को जो तोले जाते हैं नाप तोल के, बटखरे जिसे कहा जाता है, उनको इशारा कर दिया। देखिए कितनी बड़ी हुकूमत है, जाहिरी चीज़ तो कुछ नहीं है लेकिन कितनी हुकूमत है। ये उन इंसानों से बेहतर हैं जो उनको पहचान नहीं रहे हैं, ये बटखरे जो पत्थर हैं वो पहचान रहे हैं कि कौन सा हाकिम है। एक सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस जो है इशारा कर दिया कि जो नाप तौल में कमी करे उसको तुम सबक सिखा देना। अब जैसे ही जो है कमी जाति वाले ने तौल नाप की, मगर आजकल इलेक्ट्रॉनिक वाला तो कांटा था नहीं, पहले ज़माने में तो खाली बटखरे थे, जैसे ही उन्होंने कमी जाति की फौरन जो है वो बटखरा खुद आकर उनके मत्थे पे लगा।
यानी बटकरे ने उनको जो है बांटने उनको जो है सजा दी कि तुम ये काम ना करो, इसलिए कि एक मासूम के नुमाइंदे ने मना कर दिया है, तो अब मान जाओ वरना दुनिया में भी तुम्हें जो है ये पत्थर से अजियत मिल रही है और आखिरत में भी पत्थरों से अजियत मिलेगी। एक सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जनाब सलमान फारसी, लेकिन अजीज़ान मोहतरम यही जनाब सलमान फारसी जो इत्तेबाए इमाम करने वाले, इतनी ज़्यादा इत्तेबा करने वाले कि इनको भी मौत का अंदाज़ा नहीं है कि मौत कैसी होती है। इन्होंने रसूल इस्लाम से कहा था, या रसूल इस्लाम मुझे बताइए कि मुझे मौत कब आएगी। तो भाई मासूम को तो इल्म होता है, लेकिन अजीज़ों कुछ ऐसे उलूम हैं जो सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार आलम को इल्म है। 72-73 इल्म हैं, 73 इल्मों में से 72 इल्म मासूमों को दिया है परवरदिगार आलम ने, एक इल्म अपने पास रखा है। उन इल्मों में से एक इल्म है इल्म गैब, जो अल्लाह जो है जब चाहता है किसी मासूम को देता है, जब चाहता है नहीं देता है। उसमें से एक इल्म है मौत का, एक इल्म है कयामत का। किसी भी मासूम से पूछा गया कि कयामत कब आएगी, कभी किसी ने फिक्स नहीं किया कि फला सन फला टाइम फला वक्त आएगी, नहीं कहा, ना जो है किसी ने मौत का बताया। यहाँ तक ख़त्मी मर्तबत को भी मौत का इल्म नहीं था कब आएगी, यहाँ तक कि नहीं इल्म था। हाँ ये ज़रूर है कि आखिरी हज के मौके पर ग़दीर खुम के मैदान में भी बयान किया था कि अनकरीब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, लेकिन ये नहीं बताया था कि 28 सफ़र सन 11 हिजरी को दुशंबा का दिन होगा मैं जाऊंगा दुनिया से, नहीं ये वक्त नहीं बताया। ये अल्लाह के नज़दीक अल्लाह ने किसी मासूम को नहीं बताया। जनाब सलमान फ़ारसी से, फ़ारसी ने कहा मुझे मौत का टाइम बता दीजिए, चाहते रसूल इस्लाम तो हो सकता है कि मालूम हो जाता, लेकिन नहीं, उन्होंने एक ज़रिया बताया कि देखो मैं मौत का टाइम तो नहीं बता सकता, लेकिन उस वक्त अपना आखिरी वक्त समझना जब तुम मदायन जाना, मदायन की कब्रों को सलाम करना, और जब तुम्हारे कब्र से सवाल का जवाब आ जाए तो समझना तुम्हारी मौत करीब है। ये हैं जनाब सलमान फ़ारसी जो सच्चे पैरोकार हैं, सच्ची इतबा करने वाले हैं। इनको इल्म है कि जो रसूल इस्लाम कह देंगे वो हो के रहेगा, इसलिए कि मासूम की ज़बान से जो निकल जाता है वो सच होता है, कभी झूठ नहीं हो सकता है। जनाब सलमान फ़ारसी पहुँचे और जाने के बाद कब्रस्तान गए, वहाँ पर सलाम किया, जवाब सलाम आया, समझ गया आखिरी वक्त है। फौरन वसीयत की अपने ग़ुलाम से जो साथ में था, तो उससे वसीयत की कि देखो मेरा गुस्ल कफन मेरा मौला मौला देगा, कहाँ मदायन और कहाँ मदीना। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम एजाज़ इमामत से मौलाए कायनात जनाब सलमान फ़ारसी को गुस्ल कफन दिया, गुस्ल कफन मदायन पहुँच के नमाज जनाजा भी पढ़ाई। ये है जनाब सलमान फ़ारसी, सलमान मोहम्मदी जबकि अब कहा जाता है इनको, इनकी फजीलतें बहुत ज़्यादा हैं, इनका ईमान बहुत ज़्यादा है। ये इत्तेबाए रसूल करने वाले, इत्तेबाए मौला करने वाले। बस अज़ीज़ान मोहतरम मेरे मौला वहाँ पहुँच कर गुस्ल कफ़न देते हैं, मदायन में इनकी कब्र है, और परदेश का आलम था लेकिन इमाम पहुँच कर कब्र बना दी और गुस्ल कफ़न दे दिया। मैं कहूँगा ए मेरे मौला, ए मेरे आका, जो भी इत्तेबा करने वाला इमाम का है आप उसकी खबरगिरी करते हैं, आप उसके तक पहुँचते हैं, उसकी कब्र में पहुँच जाते हैं, उसकी फरियाद को पहुँचते हैं, लेकिन ये दस्तूर तो मासूम का है कि किसी भी अपने चाहने वाले को परेशान नहीं देखते, लेकिन ये घराना वो है जहाँ पर इतनी मुसीबतें हैं, इतनी सोबतें हैं कि अब आज जो है शोहदा का दसवां हो गया, 10 दिन गुजर गए शहादत इमाम हुसैन के। अजीज़ इंशाल्लाह आप बहुत रोएंगे, इसलिए कि ये मसाइब के वक्त हैं और वक्त भी ज़्यादा हो गया था, इसलिए
थोड़ा सा बयान मुख्तसर करता हूँ, लेकिन माल मस्जिद मजलिस में कमी नहीं करना है। अजीज़ो सयुम होता है, फिर दसवां होता है, बीसवां होता है, जैसे जैसे जो है अपने घर में जैसे जैसे वह गुज़रता जाता है वैसे वैसे मुसीबतें कम होती जाती हैं। तो जो चाहता हूँ अजीज़ो, मिसाल के तौर पे किसी के घर में मौत हो गई, जिस दिन मौत जनाजा उठा था वो हालत अलग थी, सयुम हुआ हालत में कुछ बेहतरी आई, दसवां हुआ और कुछ सुकून मिला, बीसवां हुआ थोड़ा सुकून हुआ, यहाँ तक कि महीना हुआ सुकून हुआ, चालीसवां सुकून हुआ, लेकिन ये दस्तूर से जो है असीरान हरम के लिए मुश्किल हो गया। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं मुश्किलों में इजाफा होता जाता है। अज़ादारो असरे आशूर जहाँ तक के मुसीबतें बहुत थीं कि करबला में सारे शहदा शहीद हो गए, 18 बनी हाशिम शहीद हो गए, कासिम का लाशा पामाल हो गया, अली अकबर के कलेजे पे बरछी का फल लग गया, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। खुद मेरा मौला 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया, शहीद किया गया और उसका सर नैजे पे बुलंद कर दिया गया। बीमार बेटा जो गश के आलम में है, फूफी आकर कांधा हिलाती है और कहती बेटा ये क्या मंजर है, तो फौरन कहते हैं ए फूफी अम्मा खैमे का पर्दा हटाइए, मैं यतीम हो गया, मेरे बाबा का सर जुदा हो गया, ये नैजे पे मेरे बाबा का सर है। अस्सलामु अलैक या अबा अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैक यबन रसूलिल्लाह। हाँ आज़ादारा ने मज़लूम करबला, यहीं पर मुसीबतें तमाम ना हुई बल्कि अब जो है मुसीबतें और ज्यादा हुई। अरे कोई जो है कोई तसल्ली देने वाला न था, कोई तशफ़ी देने वाला न था, कोई दिलासा देने वाला न था, कोई पुरसा देने वाला न था, बल्कि आग लगाई गई, बिस्तर छीना गया, हाथों में हथकड़ियां पहनाई गई। ये तो सैयद सज्जाद का था, लेकिन ज़रा 4 साल बच्ची बच्चों पे तो कोई जुल्म नहीं करता है। हाँ आज़ादारो अगर लड़ाई होती है तो बड़ों से होती है, बड़ों से होती है और औरतों से होती है, हो गई ख़त्म हो गई लड़ाई, लेकिन बच्चों पे कोई जुल्म नहीं करता। लेकिन करबला की ये दस्तूर बदल गया कि इधर जिसका बाबा मारा गया था उसी के तमाचे मारे जाने लगे, उसी की बालियाँ छीनी गई। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। हाँ आज़ादारो जब आज दसवां हुआ होगा तो ये अहले हरम कहाँ हैं, अहले हरम कहाँ हैं, कूफे में कैद थे, अब कूफे से निकाल के शाम ले जाया जा रहा है। रास्ते में शोहदा का दसवां होता है, लेकिन हाय असीराने हरम के पास ना तो कुछ गजा है ना कुछ है। हाँ अजीज़ो एक रवायत मुझे मिली, अरे ये रवायत है कि शोहदा के लिए अब कुछ न था, जिनको अपने हिस्से का पानी मिलता था वो अपने शहीद को याद करके कहती थी हाय अकबर, हाय कासिम, हाय उनो मोहम्मद, अरे मैं कैसे तुम्हें दसवां करूं, कैसे बीसवां करूं, हाय पानी पे फातिहा है। हाँ आज़ादारा ने मज़लूम करबला, वफा का जिक्र आ गया, वफा कैसे हो। जनाब अब्बास बावफा थे, जनाब अब्बास का एक फर्जंद था जो काफिले के साथ चल रहा था और धूप बहुत तेज़ थी, तपिश बहुत थी और अरब की गर्मी बहुत ज़्यादा। आप यहाँ भी मई जून की गर्मियों में एक छोटा सा राड लीजिए लोहे का और खुली छत में डाल दीजिए, आधे घंटे के बाद जब उठाएंगे तो हाथ में छाले पड़ जाएंगे। हाँ आज़ादारो सैयद सज्जाद की हथकड़ियाँ, पाँवों में बेड़ियाँ, कल कमर में लंगर और गले में खारदार तोक,
मैं कहूँगा ए जवानों, अरे जवान होते हुए भी अगर हाथों में हथकड़ियाँ हो, कोई तकबीर के लिए हाथ बुलंद कर सकता है, कमर में लंगर हो कोई रुकू कर सकता है, अरे कारदार तौक हो कोई सजदा कर सकता है, अरे इसीलिए तो मेरा मौला सैयदुस्साजदीन है कि इस आलम में भी सजदा कर रहा है, नमाज कज़ो नहीं करता। हाँ आज़ादाराने मज़लूम करबला, इंशाल्लाह आप बहुत रोएंगे। हाँ आज़ादारों, जब ये काफिला रुका, थोड़ा सा पानी मिला, पानी तकसीम हुआ, जब पानी तकसीम हुआ जनाब अब्बास के फर्जंद को मिला, जनाब अब्बास के फर्जंद ने अपनी वफा को दिखाते हुए एक मर्तबा सैयद सज्जाद के पास आए, कहा भैया आपकी हथकड़ियाँ बहुत जल रही हैं, आपकी बेड़ियाँ बहुत जल रही हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे हिस्से का जो पानी मिला है आपकी हथकड़ियों पर डाले दे रहा हूँ ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, लेकिन हाँ आज़ादारो पानी तो खत्म हो गया लेकिन हथकड़ियाँ ठंडी ना हुई। अरे जनाब ज़ैनब से कहा ए पुपी अम्मा पानी और दे दिए, कहा बेटा पानी कहाँ है, पानी तो खत्म हो गया। हाँ आज़ादारा ने मज़लूम करबला, ये काफिला अभी ठहराया गया, साए में ठहरा हुआ था कि एक मर्तबा सैयद सज्जाद की जब हथकड़ियाँ जल रही थीं तो क्या किया कि थोड़ा सा जहाँ पर अशकिया के खैमे नस्ब किए थे उसी के साए में पहुँच गए, चाहा कि दो रकत नमाज पढ़ लें, लेकिन हाँ आज़ादारो शिमरे लईन ने देखा एक मर्तबा ताजियाना लहराता हुआ, अरे उस बीमार करबला पे आया और ताजियाना मार के कहता है ए सैयद सज्जाद ये तुम्हारी जगह नहीं है, अरे तुम धूप में जाओ, कहा दो रकत नमाज, कहा अगर नमाज तुम्हें फ़ायदा दे दे तो तुम धूप में नमाज पढ़ो, अल्लाह अकबर, इस तरह से नमाज पढ़ी। हाँ आज़ादारो अभी जुल्म तमाम न हुआ, अभी जुल्म तमाम न हुआ, बल्कि ये काफिला जब आगे बढ़ा, जब ये काफिला आगे बढ़ता गया एक मर्तबा शाम का दरबार सामने नज़र आया और यजीद ने कहा अभी काफिला रोक दिया जाए, अरे 72 घंटे ये काफिला रोका रहा और सकीना पूछती रही ए मेरे भैया मुझे पानी कब मिलेगा, ए भैया। जनाब ज़ैनब ने कहा मुझे कब जाना होगा, जब आर्डर हुआ कि इन्हें काफिला लाया जाए तो जनाब ज़ैनब ने कहा मैं दरबार में नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ आज़ादारो जनाब सैयद सज्जाद ने कहा ए फूफी अम्मा ज़रा नैज़े पे देखो मेरे बाबा आंसू बहा रहे हैं, कहा ए भैया क्या अकबर याद आ गए, अरे कासिम याद आ गए, कटे हुए सर से आवाज़ आई ए बहन ज़ैनब अरे दरबार में चली जाओ, मेरी मेहनत को रायगा ना करो, मसाजादारो ये काफिला दरबार पहुंचा, शिमरे लईन ने एक मर्तबा तारुफ कराना शुरू किया, हाज़ही ज़ैनब हाज़ही उम्मे कुलसूम, एक मर्तबा यजीद ने खुद पूछा ये छोटी सी बच्ची कौन है, कहा ये हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना। आज़ादारो जैसे ही सकीना का नाम सुना, कहा तुम्हारा बाबा मैंने सुना बहुत चाहता था, क्या अपने बाबा को देखोगी तो पहचान लोगी, बच्ची खुश हुई बाबा से मुलाकात होगी, हाँ बाबा कहाँ है, मैं बाबा को पहचान लोगी, मेरा बाबा कहाँ है। एक मर्तबा तख्त के नीचे सर रखा हुआ था, खानपोश हटाया गया, ये देखो तेरा बाबा है। अब सकीना दौड़ कर जाती है कि बाबा से गले मिले, सर रोक दिया ऐसे नहीं मिल सकती, अरे कैसे, कहा जब तक तेरी मोहब्बत का इम्तिहान न लूं, अपने बाबा से कहो उठकर तेरे पास आ जाए। मसाजादारों मजलिस तमाम, एक मर्तबा सकीना ने जैसे ही ये सुना, कहा ए यजीद तू मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है, तो सही जला हुआ कुर्ता उठाया, अरे मेरे बाबा मेरी मोहब्बत का इम्तिहान, इतना कहना था कि सर बुलंद हुआ, आगोश सकीना में आया,
सकीना ने मुंह पे मुंह रखा, ए मेरे बाबा आपके बाद मुसीबत हो गई, मेरी चादर छीन ली गई, मेरे दूर छीन लिए गए, फूफी अम्मा की चादरें छीन ली गईं, कोई बचाने वाला न था, हाय मेरा बाबा मुझे जिंदान तक लाया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रजन बेकज़ाही तस्लीम अल्लाह। खुदा किसी का मर लाए सिवाय गम सैदा पर कलील सी बात कबूल फरमा, इसमें जो कमी रही उससे माफ़ फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, कोरोना जैसी वबा को दूर फरमा, इस मजलिस को परवरदिगार जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह कबूल फरमा, इस अदा खाने में हमेशा ज़िक्र अहले बैत को कायम दायम फरमा, ज़ाकिरीन और हाजरीन और बानी मजलिस की तमाम तमन्नाओं को पूरे फरमा, हर एक के छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा, सेहत व सलामती अता फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह हम, तीन मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम ज़ुल्फ़िकार हैदर इब्न अता हुसैन साबिरा बानो बिन्त सगीर हसन उर्फ़ मिन्नन साफ करो। रे पढ़ाते क्यों हो, ओ मेरे सज्जादी को जंजीरे पिन्हाते क्यों हो, जालिमो भतीजे की खताएं क्या है, मेरे बीमार भतीजे की खताएं क्या है, गश्शे उठा है अभी कुंद लगाते जलाते क्यों हो, जालिमों ये बीमार पढ़ाते क्यों हो, लेके बीमार को मैं जाऊं कहां जंगल में, शब्बीर के खैमों में लगाते क्यों हो, जालिमों साया भी
मेरे सर से उठाते क्यों हो जालिमो दिलाते